गणपति प्लाजा में मीडिया के साथ गणपति लॉकर्स में पहुंचा था, जहां पर 1100 लॉकर्स थे जो अवैध तरीके से स्थापित किए गए थे। DOIT घोटाले के सरगना CP सिंह के लॉकरों में भारी सोना और भारी रकम की सूचना मेरे को मिली थी। अब आज वहां के लॉकर ढेर सारे करोड़ों का सोना उगल रहे हैं और करोड़ों की नकदी उगल रहे हैं। CP सिंह के जो 3 लॉकर थे वो खाली मिले। मेरे को विश्वस्त सूत्र ने बताया है कि जब मैंने DOIT के घोटालों को उजागर किया था, जिसमें CP सिंह का जिक्र किया था, उस दिन के बाद ही CP सिंह ने इसी गणपति प्लाजा लॉकर्स में बेनामी नामों से लॉकर 3 लॉकर लेकर अपना सारा धन, सारा नकदी और जेवर वहीं रख दिए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उन बेनामी लॉकर्स का पता करें, इसकी जांच गहराई से कराई जाए और जो DOIT में 5000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी आज बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े नेताओं तक जानी है, उसका जांच कराए जाना नितांत आवश्यक है। ये और भी बड़ा गंभीर अपराध है कि पत्रकार वार्ता के बाद CP सिंह, जो जनरल मैनेजर है DOIT में, वो अपने धन को बेनामी लॉकर्स में उन्हें ढब लगा दे। इसलिए मैं ED से भी मांग करता हूँ और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की CBI से जांच कराई जाए, जिससे DOIT के 5000 करोड़ के घोटाले में लिप्त लोगों का खुलासा हो सके।